अभी हम जो है सिंगल फेज के पंखे का अध्ययन कर रहे हैं। इस पंखे में से तीन तार बाहर निकले हुए हैं, लाल, नीला और पीला। हम जो है इसकी वाइंडिंग की पहचान करने के लिए हम मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं और मल्टीमीटर का प्रयोग करके हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं कि लाल और नीले में रेजिस्टेंस जो है 204 ओम आ रहा है और लाल और पीले वाली वाइंडिंग में रेजिस्टेंस जो है 260 ओम आ रहा है, 259 ओम, और पीले और नीले में 463 ओम। तो ये अब जो है दोनों वाइंडिंग श्रेणी क्रम में जुड़ गई, 200 ओम और 260 ओम मिलके 460 ओम होगी। तो इस तरह से हम यहाँ इस चित्र में देखते हैं कि लाल और पीले वाले में 200 ओम वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आ रहा है, लाल और पीले वाले में 260 ओम आ रहा है, पीले और नीले में जब हम देखते हैं तो इनका रेजिस्टेंस ऐड हो गया और 460 ओम जो है रेजिस्टेंस आ जाता है। अब हम यहाँ जो है कैपेसिटर जो है कम ओम का जिसका वाइंडिंग है उसके श्रेणी क्रम में लगाते हैं कैपेसिटर, जबकि जिस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ रहता है उसमें तो कैपेसिटर हम अधिक रेजिस्टेंस वाली वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, जबकि परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो पंखे में होती है उसमें हम जो है कैपेसिटर को कम प्रतिरोध वाली वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो कम प्रतिरोध वाली जो है वो नीले रंग की वाइंडिंग है। तो कैपेसिटर के दो काले तार आ रहे हैं, इसको हम नीले रंग के वाइंडिंग से जोड़ देते हैं इस तरह से। इसको हम जो है एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा भी टेस्ट कर लेते हैं। एनालॉग मल्टीमीटर में हम मल्टीप्लाई बाई 10 में आ जाते हैं और दोनों लीड को शॉर्ट करके और जीरो एडजस्ट कर लेते हैं। जीरो एडजस्ट करने के बाद में लाल वाले टर्मिनल पर हम निशान कनेक्शन लगा के नीले के साथ चेक करते हैं, तो ये जो है 20 पर आया, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 ओम आ जाएगा। अब जो है हम पीले वाली वाइंडिंग के साथ में टेस्ट करते हैं तो ये 20 से अधिक पर आता है, ये तो ये 260 ओम है। अब जो है हम पीले और नीले दोनों वाइंडिंग को श्रेणी क्रम में ले लेते हैं तो ये जो है अभी 40 पर आ जाता है, 40 को 10 से गुणा करेंगे तो 460 ओम जो है ये उस जगह आ गया। तो इस तरह से हम एनालॉग मल्टीमीटर के द्वारा भी वाइंडिंग की पहचान कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम जो है इस पंखे को यहाँ पर लाल रंग के तार पर और पीले रंग के तार पर हम डायरेक्ट यहाँ सप्लाई देंगे, लाल वाले पर और पीले वाले पर अधिक वाइंडिंग की रेजिस्टेंस को डायरेक्ट सप्लाई दे देंगे हम यहाँ से, और कैपेसिटर के द्वारा नीली वाली वाइंडिंग में जो है धारा जाएगी। तो यहाँ हम जो है इसको पीले वाले पर और लाल वाले पर हम इसमें सप्लाई देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा पंखा चलता है। पंखे की दिशा सही दिशा में चल रहा है ये। अब यदि मैं पीले वाले नीले वाले वाइंडिंग को सप्लाई देता हूं तो ये उल्टी तरफ घूमेगा, दिशा बदल गई, और पीले वाले में देता हूं तो ये सीधी दिशा में चलता है। तो इस तरह से हम जो है इसके कनेक्शन करते हैं। तो जो सिंगल फेज की मोटरें होती हैं जिनमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कैपेसिटर लगा हुआ रहता है उनमें तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच अधिक रेजिस्टेंस वाली वाइंडिंग में लगता है, और परमानेंट कैपेसिटर वाली जो मोटर होती है उनमें कैपेसिटर कम रेजिस्टेंस वाली वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब जो है पंखे के ऊपर जो हम ब्लेडें लगाते हैं ये ब्लेडें बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, इनके बीच का गैप बिल्कुल समान रहना चाहिए। यदि इनके गैप में कोई जरा सा भी अंतर होगा तो पंखा हमारा घूमने की बजाय जो है वो डगमगाएगा, यूँ घूमेगा वो। पंखा घूमना चाहिए ऐसे, पंखा जो है इस तरह से घूमना चाहिए, केवल केवल यूँ घूमना चाहिए, न कि पंखा ऐसे इस तरह से नहीं घूमना चाहिए। पंखा बिल्कुल लटका हुआ रहना चाहिए और घूमना चाहिए। यदि पंखड़ियाँ बिल्कुल सारी बैलेंस में होगी, इस तरह से बैलेंस में होगी, कोई ऊपर नीचे पंखड़ी नहीं होगी, तब तो ये पंखा घूमेगा। यदि कोई पंखड़ी ऊपर है और कोई पंखड़ी नीचे है तो उस वक्त जो है पंखा जो है वो इस तरह से चलेगा यूँ। तो हमें जब भी कोई पंखा इस तरह से चल रहा हो तो उसकी पंखड़ियों को बैलेंस करना चाहिए,
तीनों पंखड़ियाँ बिल्कुल एक लेवल पर रहनी चाहिए, तो सामने दीवार पर कहीं मार्किंग करके पंखड़ियों को बैलेंस कर लेना चाहिए।